हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो कि विंटर स्पेशल है। आज मैं आपको गाजर का हलवा एक अलग तरीके से बताऊंगी, जो बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा फ्रेंड, लेकिन बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है कि आप गाजर का हलवा शायद पहले ऐसे कभी टेस्ट किया ही नहीं होगा, उस टाइप से टेस्ट आता है फ्रेंड। तो जरूर आप इस विधि से आप बनाइए। इसमें आपको खोआ का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना खोआ का आप गाजर का हलवा बनाइए जो कि दूध से बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने फ्रेंड्स ये 2 kg गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप गाजर को पहले अच्छे से धो के साफ सुथरा करके उसे छिलका निकाल के आप उसे कद्दूकस कर लीजिए। चाहो तो आप किसनी से कर सकते हो या फिर आप फूड प्रोसेसर से भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो इस टाइप से कद्दूकस। और 2 kg मैंने गाजर किस लिया है, तो 2 kg मैंने दूध लिया है। आप जितना ज़्यादा दूध लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनेगा, तो 2 kg, अगर आप 3 लोगे तो भी चलेगा, 3 kg भी आप ले सकते हो। दूध हमेशा या तो बराबर या इससे ज़्यादा ही रहना चाहिए, तो गाजर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हलवे का। और 250 ग्राम मैंने चीनी ले लिया है, और ये देखिए थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने में बादाम लिया है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर ले लिया है। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट जैसे काजू या किशमिश और डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो इसमें। सबसे पहले फ्रेंड मैंने ये देखिए गैस चालू करके कढ़ाही इसमें रख दिया है, जिसमें हमें गाजर का हलवा बनाना है। इस कढ़ाही में आप ये दूध को डाल दीजिए। दूध को मैंने एक बार पका लिया था, कच्चा दूध नहीं है ये, और पूरे दूध को हम इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद हम ये जो गाजर किस के रखा है उसे भी हम इसी में डाल देंगे। दूध और गाजर को अच्छे से पकाना है फ्रेंड। ये देखिए दूध और गाजर को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे आप धीरे धीरे से इसी दूध में गाजर को पकने दीजिए, और इसे बीच बीच में आप ऐसे चम्मच से हिलाते जाइए। थोड़ा थोड़ा देर में आप इसे चेक करते रहिए, जब तक ये हमारा दूध इसमें सूख नहीं जाएगा। तब तक से हम पकाना है गाजर को इसी में। बहुत टेस्टी बनता है हलवा, इस टाइप से बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपको इसमें खोआ डालने की भी जरूरत नहीं। थोड़ी थोड़ी देर हम इसे चेक करते जाएंगे फ्रेंड। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, और ये पानी अभी तक सूखा नहीं है। दूध का सूखते तक ही हमें इसे पकाना है। इसे बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट बनता है इस विधि से। देखिए फ्रेंड, इसे थोड़े थोड़े देर फिर चेक करेंगे। इसे 5 या 10 मिनट में आप इसे चेक करते जाइए। जब तक आपका दूध सूखेगा नहीं, आपको ऐसे ही पकाना है। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप इसके फिर आप इसे 5-6 दिन तक आराम से खा सकते हो, ये खराब नहीं होता है। तो एक बार आप मेहनत कर लीजिए, और उसके बाद 4-5 दिन आप आराम से इसे खाइए। ये तो विंटर स्पेशल होता है गाजर, आप जरूर इसे बनाइए और खाते रहिए। बहुत हेल्दी और टेस्टी डिश है ये। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा हमारा दूध सूखा है, और ज़्यादा सूखने दो तभी हम इसमें अपना चीनी ऐड करेंगे। जितना अच्छा पकेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। देखिए इसे हम चेक कर लेते हैं, अब इसका दूध बहुत सूख चुका है। देखिए ज़्यादा दूध अब इसमें है ही नहीं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा। देखिए चीनी इसमें डाल देते हैं। और इसे फिर थोड़ी देर पकाते हैं। देखिए चीनी डालते ही इसमें थोड़ा सा पानी और आ गया है, तो इसे हम फिर थोड़ा सूखा होते तक इसे हम पका लेते हैं 5 से 10 मिनट।
देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, रेड कलर। तो हलवा का कलर ऐसे ही रेड आएगा इसमें। अभी विंटर में जो गाजर मिलता है वो बहुत ही अच्छा रेड कलर का आता है, जो कि बहुत हेल्थी होता है। देखिए फ्रेंड इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है, बहुत ही अच्छा रेड कलर आया है गाजर का हलवा का। अब इसका पानी सूखने लगा है। देखिए फ्रेंड ये हमारा शक्कर जो डाले थे चीनी उस पानी छोड़ा था वो भी सूख चुका है। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच घी डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा घी से। शुद्ध देसी घी यूज कर रही मैं यहाँ पर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए इसका कलर बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत ही अच्छा बना है गाजर का हलवा। इसे 2-3 मिनट हम ऐसे मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा घी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। अब हम इसमें जो इलायची पाउडर लिए थे उसे हम डाल देते हैं। देखिए इलायची पाउडर। आप गैस को बंद कर दीजिए, हमारा गाजर का हलवा बन के तैयार है। ये देखिए अब इसे हम सर्विंग करते हैं। इसे हम ये देखिए बाउल है, इसमें हम इसे ले लेते हैं। इसे देखिए इसे सर्व करने के लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है। अब इसे आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से आप इसे डेकोरेट कर दीजिए। और वो बच्चे जिसके दांत नहीं है या बड़े बुजुर्ग जो ड्राई फ्रूट चबा नहीं सकते हैं उसके लिए आप ये ड्राई फ्रूट पाउडर यूज कर सकते हो। ये ड्राई फ्रूट पाउडर को आप इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए, जिससे उसे ड्राई फ्रूट खाने में इजी पड़ेगा। इस टाइप से भी आप दे सकते हो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं गाजर का हलवा खिलाना है तो आप ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल सकते हो। या बड़े बुजुर्ग है जो कि ड्राई फ्रूट चबा नहीं पाते हैं उसे भी आप ड्राई फ्रूट पाउडर डाल के दे सकते हो। तो देखिए फ्रेंड बहुत इजी है ना ये गाजर का हलवा बनाना, आप इसी स्टाइल से जरूर बना के देखिए, बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है फ्रेंड। और इसे आप एक बार बना के आप इसे 4 से 5 दिन आप रख सकते हो, खराब नहीं होता है ये। फ्रिज में भी रखने का जरूरत नहीं, आप बाहर ही रख सकते हो। तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिए और आप बनाइए और खाइए और अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स पे कीजिए। मैं अब अगले रेसिपी में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।